हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो आपका है। तो चलिए आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं फाइंड पे वर्सेस फाइफाई ऐप के बारे में। आज आपको वीडियो में फुल डिटेल्स एक्सप्लेन के साथ डिफरेंस जो मालूम चल जाएगा फाइंड पे वर्सेस फाइफाई ऐप के बीच में, कौन सा ऐप जो बेटर है आपके लिए। वीडियो को इन तक जरूर देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर मत दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारा नॉलेज जो मिलने जो जा रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम गुलशन, आप देख रहे हैं बर्मा टेक चैनल में, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो के लिए कुछ भी डाउट रहता है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग इजिली उस डाउट को सॉल्व जो कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस व्हाइट बोर्ड है और ये मेरे पास मार्कर है, तो दोनों की सहायता से आज आपको हम बताने जा रहे हैं फाइंड पे वर्सेज फाइफाई ऐप के बारे में। तो बीच में हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन करने के बाद हम लोग फाइफाई ऐप लिख देंगे, अप में हम वर्सेज ऐप को लिख देंगे। तो चलिए आज आपको बताने जा रहे हैं कि दोनों ऐप में आप लोग डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, दोनों जो ऐप है टीन एजर ऐप है। दोनों में अगर आपको अकाउंट खोलना होगा तो इसमें आपको कम एज वाला जो अकाउंट जो खोल सकते हैं, 12 to 19 ईयर्स के बीच वाले लोग इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें भी दोनों जो सेम प्रोसेसर है, कहने का मतलब इसमें भी अकाउंट खोलने के लिए आपको 12 to 19 के बीच एज चाहिए और फाइफाई ऐप में भी इतना ही एज जो चाहिए। इसके बाद देखिए, इसमें भी KYC अवेलेबल है और इसमें भी KYC अवेलेबल है। इसमें आप लोग सेल्फ KYC कर सकते हैं, कहने का मतलब खुद से आप लोग KYC कीजिएगा तो आपको ओके जो हो जाएगा। इसमें आपको सेल्फ है और पेरेंट्स है, इसमें आपको पेरेंट्स को भी करना पड़ सकता है अलग से अकाउंट बनाने के बाद, और जो खुद से भी KYC करना पड़ सकता है। इसके बाद दोनों जो ऐप है फाइन पे और फाइफाई ऐप है, दोनों में ATM अवेलेबल है, दोनों ऐप में ATM अवेलेबल है। फिजिकल, इसमें आपको फिजिकल कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको मिनिमम जो 350 रुपये जो देना जो पड़ सकता है, इसमें आपको जो लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही रुपए जो देना है, क्योंकि ये ऐप है जो न्यू है, फाइफा ऐप है जो न्यू है, इसमें अभी कैशबैक चल रहा है, आपको 100 या 200 में मिल सकता है, यहाँ पर आपको लिमिट नहीं है। आप बताएं कि जो फैन पे में या फाइफा ऐप में ATM लॉक्स अवेलेबल है, दोनों ऐप में आपको लॉक सिस्टम जो अवेलेबल है, आप लोग ATM को लॉक कर सकते हैं ताकि आपके ATM में जो सेफ जो रह सके। फैन पे में आपको UPI सर्विस जो मिल रहा है, और फाइफाई में आपको UPI सर्विस जो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक डिफरेंस हो गया, आप लोग समझ गए। फैन पे में आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, आप लोग फैन पे में शॉपिंग कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप रिचार्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं फैन पे में, और इसमें भी आप लोग रिचार्ज जो कर सकते हैं। इसमें आपको भी दोनों जो ऐप है, दोनों ऐप में आपको सपोर्ट मिलेगा, कहने का मतलब आप लोग को कोई भी ऐप में इशू आता है, ट्रांजेक्शन हो गया, ATM में हो गया, आपको इशू आ रहा है, तो आप लोग चैट के जरिए आप लोग जो हेल्प जो ले सकते हैं, चैट से बात करके आप लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व जो कर सकते हैं। दोनों ऐप से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, मेन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ऐप से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करने का मतलब इसमें आपको रेफर मिलेगा, इसमें भी आपको रेफर मिलेगा। अगर आपका एज यहाँ आप में आपको बोले हैं कि हम कि अगर आपका एज 12 to 19 इसके बीच में होगा तभी आपको रेफर हो गया या आप लोग अर्निंग कर सकते हैं इस ऐप में। दोनों ऐप में आपका एज अगर आपका इसके 12 to 19 इसके बीच में होगा तभी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग समझ गए हैं कि आपको डाउट है जो क्लियर हो गया कि आप लोग रेफर करके भी पैसा इससे ऐप से दोनों ऐप से कमा सकते हैं। आप लोग समझ गए कि इस ऐप में आप लोग को डिफरेंस क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट है जो क्लियर जो हो चुका होगा कि फैन पे और फाइफाई ऐप में दोनों में डिफरेंस क्या है। वीडियो से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले।